ये देखिए गाइस, इसकी लेयर्स कितनी अच्छी लग रही हैं। ये हमने डिजर्ट बनाया है बहुत आसान विधि से, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं ये डिजर्ट, जेली बेस्ड डिजर्ट। तो ये डिजर्ट बच्चों को ज्यादातर पसंद आता है, तो चलिए बनाते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम एक डिजर्ट बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनाते हैं। बहुत अच्छा सा, यूनिक सा, जो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और हेल्थफुल भी होगा। तो ये रहा एक ग्लास दूध, ठीक है। ये देखिए गाइस, दूसरा ग्लास दूध। तो ये हमने दो ग्लास दूध ले लिया है, नॉर्मल है दूध हमारा, ठीक है। तो इसमें और इनग्रीडियंट मिलाते हैं। ये देखिए गाइस, हमने एक स्पून ले लिया है कॉर्न स्टार्च, ठीक है। और ये हाफ स्पून और हम ले लेंगे, ठीक है। ये देखिए हाफ स्पून, ठीक है, यानी डेढ़ स्पून लिया है। ये देखिए, हम वही चीजें यूज कर रहे हैं जो आपके घर में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि ये स्पून। तो इसके हिसाब से हमने डेढ़ स्पून कॉर्न स्टार्च ले रखा है, और अभी फ्लेम पर हमने नहीं रखा हुआ है। देखिए गाइस, मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो हम इसमें एक स्पून, दो, तीन, चार, पांच, पांच स्पून हमने ले ली है चीनी, और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे, क्योंकि कॉर्न स्टार्च है नीचे बैठ जाता है। तो इसको हम अच्छे से बिठा मिला लेंगे, जिससे कि ये देखिए नीचे बैठ गया था ना, इसी वजह से हमको इसको अच्छे से मिलाना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें, ये देखिए हमारा मिल चुका है बिल्कुल अच्छे से, कोई लंप्स नहीं है, कुछ भी नहीं। अब हम इसको फ्लेम पर चढ़ाएंगे। देखिए गाइस, उसको आंच पर चढ़ाने से पहले ये जरूर देख लें कि आपको किस बर्तन में इसको एडजस्ट करके रखना है। तो हमने ये कांच की छोटी छोटी जो शॉर्ट ग्लास आती हैं, इनको रख लिया है। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए गाइस, हमने ऑन कर दिया फ्लेम को, और इसको धीमी धीमी फ्लेम पर पकाना है, बहुत तेज हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है। तो उसको चलाते हुए हम गाढ़ा करेंगे। देखिए गाइस, चाहे आप कॉर्न स्टार्च लें या आरा रोट लें, कि कोई भी चीज ऐसी लेते हैं, तो उसको चलाते हुए ही पकाना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ठीक होने लगता है हमारा। ये देखिए गाइस, हमारा अच्छे से गाढ़ा होने लगा है, ये देख सकते हैं। तो थोड़ा सा और पकाएंगे इसको, दो मिनट के करीब। एक चीज का गाइस जरूर ध्यान रखिएगा, जितनी क्वांटिटी में हमने बताया हुआ है उसी हिसाब से बनाएं। अगर आप इससे ज्यादा कॉर्न स्टार्च डाल लेंगे तो ये हमारा पक नहीं पाएगा, पहले ही थिक हो जाएगा। तो इसकी वजह से उसमें थोड़ा सा स्मेल आती रहेगी, और जब इसको अच्छे से पका लेंगे तो इसमें जो भी स्मेल है वो सारी खत्म हो जाती है। तो इस वजह से इसको हम दो मिनट पकाते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, हमने इसको बिल्कुल धीमी कर दिया है, और हम अपनी लेंगे होममेड मलाई, जो घर में दूध के ऊपर आती है वही लेंगे, जिससे कि इसका क्रीमी टेक्सचर आए थोड़ा सा। तो दो स्पून हमने होममेड मलाई ले रखी है, उसको हम इसमें मिला देंगे और एक मिनट और पकाएंगे, बस इससे ज्यादा नहीं इसको पकाएंगे, ठीक है। तो एक मिनट पका लेते हैं मिलाते हुए। एक बात गाइस, और हमारे पास घर में मलाई थी दूध की, तो वो हमने ले ली है। आपके पास अगर दूध की मलाई ना हो तो आप आराम से अमूल क्रीम आती है, या और भी कोई और भी व्हिप्ड क्रीम आती है जिनसे व्हिप्ड क्रीम बनती है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, हो चुका है। तो आप बंद कर देंगे अपनी फ्लेम को, और इसको एक मिनट के लिए ठंडा करेंगे, और ऐसे ही इसी कढ़ाई में इसको ऐसे चलाते हुए ठंडा कर लेंगे एक मिनट के लिए, फिर इसको एडजस्ट कर लेंगे। देखिए गाइस, अपना ठंडा हो चुका है कुछ। तो अब हम एक एक ग्लास में इसको आराम से बचाते हुए डालेंगे, ठीक है, इस तरह से, देखिए तो बराबर लेवल आ जाएगा। तो ये हम करते हैं। ये देखिए गाइस, चार हमारे शॉर्ट ग्लासेस भर गई हैं, और एक ये बड़ी, क्योंकि ज्यादा बच गया था थोड़ा सा। तो चलिए अब इसको सेट होने के लिए रख देते हैं फ्रिज में। बट देखिए गाइस, सब जेली बेस बनाते हैं उसका। तो ये रहा हमारा पानी एक ग्लास, ठीक है, थोड़ा सा और डालेंगे, एक ग्लास से बिल्कुल थोड़ा सा। आपको ज्यादा चाहिए हो तो आप ज्यादा बना सकते हैं। ये देखिए गाइस, इसमें हम फिर से लेते हैं कॉर्न स्टार्च। तो हम एक स्पून लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। ये देखिए गाइस, अब इसमें हम तीन स्पून चीनी ऐड करेंगे, वन टू एंड थ्री स्पून।
अब देखिए इसको इसको भी वही प्रोसेस करना है, अच्छे से मिला लेना है और फिर इसको पकाना है। अब इसमें हमने कलर नहीं यूज किया है कि किस कलर का हमें बनाना है, तो हम रेड कलर ले लिया है जिसको हम अच्छे से मिक्स करके इसमें मिलाएंगे, क्योंकि रेड कलर बच्चों को ज्यादा पसंद आता है उसी वजह से, ठीक है। और अब इसको हम अच्छे से ऐसे मिला के अब पकाने के लिए पकने के लिए रखेंगे, ठीक है गाइस। इसको भी ऐसे ही चलाते हुए हम पका लेंगे, ठीक है। तो फ्लेम वही धीमी रहेगी, बहुत तेज भी नहीं बहुत हाई भी नहीं। ये देखिए गाइस लगभग लगभग हमें 2 मिनट लगे हैं पकाने में, बट अभी थोड़ा सा पतला है तो इसको अभी 1 मिनट और हम पकाएंगे, ठीक है। ये देखिए गाइस हमारा पक चुका है, तो हमने इसको बंद कर दिया क्योंकि 3 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको भी अब हम उसमें सर्व करेंगे। देखिए गाइस अब इसके ऊपर हम ये लेयर भी सेट करेंगे इस तरह से, इस तरह से, इसी तरह से इक्वल क्वांटिटी में इस तरह से, ठीक है। ये देखिए गाइस ये हमारा बन चुका है, तो इसको अब हम फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए बहुत ज्यादा 15 से 20 मिनट, तो मिलते हैं 15 से 20 मिनट बाद। ये देखिए गाइस हमारा डिजर्ट बनके तैयार है, तो इसको हम थोड़ा सा बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा हम बादाम से और अपनी किशमिश से हम गार्निश करेंगे, ठीक है। ये गार्निश करना ऐसा है कि आप जिस हिसाब से, ये देखिए बनकर तैयार है और आपको हम दिखाते हैं इनकी लेयर। तो इस तरह से ये देख सकते हैं इसकी लेयर कितनी प्यारी लग रही है, 2 लेयर्स आई हैं। तो इतना यम्मी और टेस्टी डिजर्ट, ये देखिए 1 और 2 इतनी प्यारी बनी हुई है हमारी जैसे जेली। तो अगर बच्चों को ये खिलाएंगे तो उनको काफी हेल्पफुल रहेगी। आज की गाइस हमारी ये रेसिपी डिजर्ट जो कि बच्चों के फेवरेट होते हैं, तो बनाइए अपने घर में और ये सर्व करिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी का। थैंक यू।